एम ए इंग्लिश मोहम्मद ड्राइवर मोहम्मद सलीम अपने खानदान की दो वक्त की रोटी के लिए वक्त और अपने रिक्शे को धक्का भी दे रहे हैं, साथ ही साथ हुकूमत और निजामे तालीम से शाकी भी हैं। आला तालीम याफ्ता रिक्शा ड्राइवर के बारे में फातिमा तो जहरा रिपोर्ट कर रही हैं। ऐसी तालीम का क्या फायदा जो नौकरी न दिला सके, ये मैं नहीं कह रही, ये कहना है मोहम्मद सलीम का, जिन्होंने इंग्लिश समेत मुख्तलिफ मजामीन में 3 MA कर डाले मगर बावजूद इसके उनको मनपसंद नौकरी न मिल सकी। उनके साथ ऐसा क्यों हुआ उन्हीं की जुबानी जानते। लाहौर के मकीन रिक्शा ड्राइवर मोहम्मद सलीम का कहना है कि मैंने अपनी जिंदगी के 60 साल इंग्लिश को दिए और इंग्लिश ने मुझे रिक्शा दिया। इनका कहना है कि इतना पढ़ने के बावजूद दरसो तदरीस के शोबे में अपनी तालीम के हम पल्ला नौकरी न मिल सकी। हम पढ़ भी लें FA BA MA जैसे आपने किया, MA इंग्लिश MA को आम बात नहीं है, अगर हम वहाँ तक पहुँच भी जाए तो हमारा फिर क्या मुस्तकबिल होगा, उसके बाद फिर क्या हमें रिक्शे ही चलाना पड़ेगा। मोहम्मद सलीम हुकूमत से भी कुछ खफा नजर आए, कहा हमारा निजाम तालीम ही ऐसा है कि बंदा पढ़ लिख कर भी सही नौकरी तलाश नहीं कर सकता। हमारे गवर्नमेंट को इतना नहीं पता कि हमारे घर बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इनको चाहिए कि देख रहे। तो मेरे नज़दीक मेरी जो ऑब्जर्वेशन वो ये है कि एजुकेशन ऑफ पाकिस्तान शुड बी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट एंड एजुकेशन शुड बी गिवन टेक्निकली नॉट वर्बली। मोहम्मद सलीम के बच्चों का कहना है कि अपने पढ़े लिखे बाप को रिक्शा चलाते देखकर अपना मुस्तकबिल भी तारीकी में नजर आता है। मोहम्मद सलीम बुनियादी इंग्लिश सिखाने की 4 किताबें भी लिख चुके हैं। इस बुक में मोहम्मद सलीम जैसी बहुत सी मिसालें मिलती हैं जिनके पास डिग्रियां तो हैं मगर डिग्रियों से मुतालिका शोबों में नौकरियां नहीं। जरूरत इस अमर की है कि ऐसे अफराद के लिए नौकरियों के मसाइल को बढ़ाया जाए